S24 Ultra में आता है Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर, बट इसके छोटे भाई S24 में आता है Exynos प्रोसेसर, तो क्या आपने इसे खरीदना चाहिए? पहले हमने दोनों फोन्स को भिड़ाया N22 बेंचमार्क टेस्ट रन करके, S24 में 17 लाख के अराउंड स्कोर निकला, जो S24 Ultra से काफी क्लोज था, और iPhone 15 को पीछे छोड़ दिया, 2 लाख ज्यादा स्कोर निकला यहाँ पे। दोनों ही फोन्स में मैंने 4K 30fps में आधे घंटे तक वीडियोस रिकॉर्ड की। दोनों ही फोन ज्यादा गर्म नहीं हुए क्योंकि इनमें वेपर चेंबर कूलिंग है, जो S24 में अब 1.6 बिगर है S23 से। गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे हमने GPU स्कोर्स भी निकाले, और भाई मैं तो शॉक हो गया, S24 ने S24 Ultra से भी ज्यादा GPU स्कोर निकाला, क्योंकि Exynos 2400 प्रोसेसर AMD के साथ मिलकर Samsung ने बनाया है, RDNA 3 आर्किटेक्चर पे बेस्ड, प्लस यहाँ पे रे ट्रेसिंग का सपोर्ट है, और S24 Ultra वाले सारे AI फीचर्स भी है, पर इसका प्राइस अल्ट्रा से 50,000 कम है, प्लस 3,334 पर मंथ की EMI पे ले सकते हो। तो दोनों में से आप क्या खरीदोगे कमेंट्स में बताना।